हाँ, तो कल हम जहाँ तक बताए थे उसके आगे हम कुछ क्वेश्चन आज हम बता रहे हैं जो इसी प्रकार का रहेगा। जैसे द हिंदू रबिक नुमरल फॉर डी सी एक्स सी वन और भी है, तो डी का मीनिंग होता है 500, सी का मीनिंग होता है 100, तो 5 × 1 = 600 यह हो गया, और सी के पीछे में एक्स है तो यह हो गया 90, यह है 4, तो 694, तो 694 जो है इसमें नंबर डी है, यह इसका आंसर हुआ। उसके बाद दिया है यहाँ द एस्टिमेटेड सम ऑफ 15,264, 7,427 एंड 9,382 व्हेन द नंबर आर राउंडेड टू द नियरेस्ट 1,000 इज। तो सम ऑफ तो पहले सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद नियरेस्ट 1,000 निकालेंगे, नियरेस्ट 1,000 में जो है 100 प्लेस को देखेंगे, 100 प्लेस पर यदि 0 से लेकर 4 तक रहेगा तो मन घट जाएगा, और 5 से लेकर 9 तक रहेगा तो मन बढ़ जाएगा। तो यह मालूम बता ही दिए हैं कि घटाने पर क्या होगा और बढ़ाने पर क्या होगा, उससे जो है पता कर लोगे कौन सा इसका। तो इसका आंसर जो है वो होगा 31,000। उसके बाद है फिर क्वेश्चन है द नंबर व्हिच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर इज कॉल्ड, कहता है कि एक संख्या को जिस संख्या में से घटाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जिस संख्या में घटाते हैं तो उसको हम कहते हैं सब्ट्राहैंड। तो इसमें दिया हुआ मिन्यून सब्ट्राहैंड डिफरेंस और नॉन ऑफ दिस, तो सब्ट्राहैंड होगा। नंबर 7 है कि द वैल्यू ऑफ 96,042 प्लस 2,875 माइनस 74,987 इज, कहता है तो इस दोनों को पहले जोड़ करें, 74,987 को घटा देंगे, घटाने पर इसका आंसर होगा 23,930 जो कि ए में दिया हुआ है। उसके बाद नंबर 8 क्वेश्चन नंबर जो है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18,260, कहता है दो संख्याओं को जोड़ने पर 18,260 हुआ है, और उस दो संख्याओं में से एक संख्या जो है वह 9,384, तो कहते आधार नंबर क्या होगा, तो दो संख्या का जो योगफल है उसमें 9,384 को घटा देंगे, तो 18,260 में 9,384 जब हम घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 8,876 जो कि नंबर बी है। तो ए बी सी डी में चार संख्या दिया हुआ है, इसमें नंबर बी जो है 8,876 ये इसका आंसर होगा। ये लेकिन तुम लोग जो है यह सब सभी सवाल जो है बना बना कर सॉल्व करोगे, सुने कैसे खाली सुन लिए बस हो गया, इससे नहीं होगा, बनाओगे तभी तुम लोग को पता चलेगा।